ऐसा है जी जिसका नाम रीगल थिएटर था, आज भी रीगल थिएटर ही है, आज भी रीगल सिनेमा नाम नहीं है इसका, आज भी रीगल थिएटर है, उसी नाम पे आज भी चल रहा है। ऋतुराज कपूर और उसकी टीम, उसकी कंपनी पहले यहीं पर स्टेज प्ले किया करते थे और इसी कारण इसका नाम थिएटर रखा गया। 40 के बाद में यहाँ पिक्चरों का आना शुरू हुआ। जो इस सिनेमा को पहले चलाते थे उनका नाम था राजेश्वर दयाल। दयाल फैमिली में उनका बहुत बड़ा नाम था दिल्ली में, तो वो बहुत शौकीन थे इस बारे में कि अपने सब जानकारों को बुलाते थे, इनविटेशन भेजते थे और उनको पिक्चर दिखाने के लिए आमंत्रित करते थे। दूसरे उन दिनों में यहाँ कोई सिनेमा हॉल था भी नहीं, प्लांट प्लेस में कोई सिनेमा हॉल नहीं था, इसलिए जितने भी ये बड़े बड़े हाई डिग्निटीज थी वो यहीं आना पसंद करते थे और बड़े शौक से, बड़े इज्जत से उनको पिक्चर दिखाते थे। लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्ञानी जैल सिंह भी आए हैं और सब लीडर्स जितने भी आते थे सब आते थे, मोस्टली शाम को नाइट शो में या इवनिंग शो में आते थे। देखो ये पिक्चर मुझे, मैं राज कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे याद है कि जब सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ लगी थी तो उस टाइम मैं राज कपूर की टीम सारी यहाँ आई थी और वो पिक्चर भी मैंने सारी देखी थी और उस टाइम का सीन मुझे अभी भी मेरे आंखों के सामने है। स्टेज के आगे ही बैठते थे, बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था हॉल को, बाहर से कारपेट बिछाए गए थे और यहाँ पिक्चर दिखाई गई थी, हवन वगैरह हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और सोमवार को एडवांस खुलती थी पिक्चर की, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होनी है, मंडे में एडवांस खुलती थी। मैंने सुना है कि रात को ये मलिक तक लाइन गई हुई होती थी, रात को मलिक स्वीट वाला। आज देखो आप कहाँ तक लाइन गई हुई है, लाइन ही नहीं है। तो अब वो दिन खत्म हो गए हैं, वो